यूपी के बरेली से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला प्रशासनिक अधिकारी ने अपने चपरासी पति पर खुद की जान को खतरा बताया। दूसरी तरफ महिला के पति ने यह आरोप लगाया है कि महिला का एक होमगार्ड के कमांडेंट के साथ, गाजियाबाद में होमगार्ड के कमांडेंट के साथ अफेयर है और दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों की शादी 2010 में हुई थी। दोनों काफ़ी अरसे तक इस शादी से खुश भी थे। जब ये शादी हुई तो बताया जा रहा है महिला के पति जो अब चपरासी हैं, उस वक्त भी वो इसी ओहदे पर फायज थे और महिला प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही थी। शादी के बाद उनके पति ने उनके साथ मेहनत की। महिला अब उत्तर प्रदेश के बरेली में PCS अधिकारी हैं और अपने पति, चपरासी पति के साथ काफ़ी वक्त खुश भी रही, लेकिन अब दोनों के बीच काफ़ी विवाद है और अब बताया जा रहा है कि मामला इस कदर तूल पकड़ चुका है कि इस पूरे विवाद के बाद देश के DG होमगार्ड BK मौर्य ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखना होगा कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, या फिर इस पूरी कहानी में वाकई भरोसे का कत्ल हुआ है।